हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाबिस, मोहम्मद इनायत। ये डेफिनेटली वीडियोस तो हमारे इंडियन कंटेंट के जितने भी हमारे दोनों चैनल में आ रहे हैं। ओके, नया चैनल जो के है उतना एक्टिव, मतलब कि हमारा इंडियन कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं टू द बैकअप के लिए, लेकिन एक चैनल में, हमारे मेन चैनल में भी आ रहा है। और उस चैनल में एक वीडियो जो कि मैंने देखा ही नहीं कि कितने व्यूज आए, क्या है मुझे पता ही नहीं था। और सडनली आज मैंने जब मैं KGF का रिव्यू अपलोड किया, मैं वहाँ पर आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि वहाँ पर एक 5-6 व्यूज मिले थे हमें। यार ये चैनल क्यों नहीं चल रहा है इंडियन कंटेंट का। देन आई जस्ट वेंट डाउन और मैंने देखा कि जना गना मना का हमारा ट्रेलर रिएक्शन और उसके नीचे अराउंड हमारे 3.1K व्यूज थे। पूरे चैनल में हमको शायद 100-150 व्यूज मिले हैं, लेकिन वो यू नो हमारा वीडियो चल गया था। दैट इज बिकॉज ऑफ मलयालम कंटेंट एंड आवर मलयालम पीपल जो कि हमें फॉलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन अनदर मलयालम फिल्म टीजर जो कि आने वाली है ईद पे, May 6th को आने वाली है। इट्स CBI द ब्रेन, द ब्रेन ऑफिशियल टीजर। CBI 5 है यहाँ पर, CBI 5 द ब्रेन। ओके, फिल्म के एक्टर्स हैं हमारे मम्मूटी साहब, मम्मूटी, अच्छा, ओके, द लीड एक्टर। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन दिस टीजर, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल, और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में जिसके लिंक्स हमने यहाँ पर दिए हैं। लेट्स स्टार्ट। The file was on the Gandhi family. Sanjay Gandhi, Indiraji and Rajiv Gandhi. Oh! Sanjay Gandhi was killed in a plane crash. Indiraji was assassinated by the Khalistan terrorists. And Rajiv Gandhi was assassinated by a suicide bomb. Ida kena namukariya on the facts. Adinapura, is there a common element? Common enemy? Common reason? Or an external agents? Oh! हीरोइज्म, मतलब अगर बोलें तो इसे कहते हैं हीरोइज्म। वेरी वेरी इंटेंस एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। आई डोंट थिंक किसी ने भी हिम्मत की है इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए टिल डेट। इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 इयर्स 35 इयर्स जो भी हुआ है ये सब। और थर्ड का उन्होंने क्यों, राजीव गांधी को उन्होंने कंसील कर दिया उसको, उसको तो बोलना चाहिए था उनको कि किसने मारा था। सेट के सुसाइड बॉम्बर, सुसाइड बॉम्बर नहीं है ये, LTT के सारे लोग थे उन्होंने किया था शायद। उनका नाम दिखाया नहीं वहाँ पे, तमिलनाडु फॉर एन इंक्वायरी और वहाँ पर उनकी डेथ हुई। नो नो नो, देयर ओनली, नॉट इन तमिलनाडु, ही वाज किल्ड इन दिल्ली ओनली। ओके, बट इट वाज फ्रॉम श्रीलंका, जो तमिल पीपल का रेबेलियन चल रहा था उस वक्त का शायद। बट ही डिड नॉट मेंशन दैट नेम। सबका खालिस्तानी अगर टेररिस्ट डाला है तो उसको, दिस शुड हैव ऑल्सो बीन मेंशन्ड, आई डोंट नो, मे बी दे डिड नॉट वांट टू हर्ट दिस सेंटेंस, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो असैसिनेशन है उसको सपोर्ट करते हैं। एनी वे, दैट्स पॉलिटिकल। बट कमिंग बैक टू मम्मूटी साहब, अरे वाह, हीरोइज्म इसे कहते हैं यार। वेरी सिंपल एंट्री, वेरी नॉर्मल क्लोथ्स, नो ग्रैंड कैमराज, नो ग्रैंड नथिंग एल्स, एंड नो ग्रैंड म्यूजिक ऑल्सो, जस्ट अ स्मॉल वॉक। एंड बिकॉज वी आर टेलिंग दिस बिकॉज वी जस्ट वॉच KGF एंड इट वॉज too much of sound, too much of noise pollution, too much of background का जो singers की जो ये हैं, vocals हैं ज़्यादातर। यहाँ पर इतना simple तरीके से एक hero को represent कर दिया कि एक hero is a hero, like a personality. Hero music से नहीं बनता, hero background score से नहीं बनता, hero अपने look से बनता है, hero अपने आँखों से बनता है, I think expression से बनता है, and अपने choice of movie से ही बनता है। I think this is what hero means, मेरे ख्याल से। And I rarely see Malayalam industry mein this heroine ka angle, this love angle, romantic angle. They focus on the content. Content mein heroine ki zarurat nahi hai, nahi hai bhai. Gaane ki zarurat nahi hai, nahi hai. Whatever they are very clear ki unhe kya chahiye. And this is looking a very promising film. Bahut hi promising film dikh rahi hai. And yeah, trailer aane ke baad, trailer bahut jald announce hone wala hai. I think
कल परसों में इसका ट्रेलर आने वाला, बिकॉज इसका टीजर 8 दिन पहले आ चुका है, हम लोग थोड़े लेट हो गए. बट दिस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग फिल्म आई थिंक. और ईद में, और यू नो ईद में सॉरी रमजान के महीने में केरला में फिल्में आती भी नहीं, बहुत कम आती हैं, बिकॉज डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स हैं, वो फास्टिंग करते हैं. सो अभी जो फिल्में चल रही हैं बीस्ट, KGF, वही चल रही हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट, दैट इज़ डिफरेंट लैंग्वेज फिल्म्स. बट ईद पे जब ये फिल्म रिलीज होगी तो डेफिनेटली ऑल ओवर केरला ये एक सेलिब्रेशन होगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ कंट्री. अमोटी की फिल्म है, एंड आई होप के उस तरीके की लेवल की फिल्म हमें देखने को मिले. एंड मैंने बहुत दिनों से कोई मलयालम फिल्म देखी नहीं है, बस होप के लेट्स सी. एंड आई लव्ड इट, आई स्पेशली लव्ड यू नो द वे ही केम, उन्होंने खड़ा चेयर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा और कितना मासूम सा एक्सप्रेशन था, और बस वहीं पर दिखा दिया कि फिल्म आने वाली है. एंड दिस वॉज रियली अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट. एंड स्पेशली आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस स्टोरी, बिकॉज ये इस तरह है, ये एक प्लॉइस जो ये हिस्ट्री है इसके बारे में बात लोग करते ही नहीं, लोग जानते भी नहीं ज़्यादातर. बहुत सारे आई थिंक आजकल की यूथ है जिन्हें पता भी नहीं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, जस्ट सिर्फ नाम याद है गांधी फैमिली के बारे में. एंड दिस इज नथिंग, बिकॉज वी सपोर्ट दिस दिस थिंग ऑफ वी सपोर्ट दैट थिंग, दैट इज अ हिस्ट्री, वन ऑफ द हिस्ट्री, एंड वी कांट डिनाई इट. सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, एंड लेट्स सी कि मलयालम इंडस्ट्री कैसे इस टॉपिक को क्रैक करती है. एंड डेफिनेटली अभी तक गवर्नमेंट को ही पता नहीं कि उसका मतलब कि रिवील नहीं किया है उन्होंने बाय, तो डेफिनेटली दे आर डूइंग इट विद देयर माइंड. वो लोग बस एक गेस मार रहे हैं, दे विल बी दैट, वो ही दिखाया जाएगा. सो लेट्स सी क्या होता है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस. सेम हियर, लाइक आई रेयरली वॉच, बट देयर इज अ ट्रेंड नाउ. आई थिंक देयर शुड बी अ शिफ्ट नाउ. आई थिंक वी हैव हैड एनफ ऑफ मास मूवीज, एनफ ऑफ, बिकॉज RRR हो गई, KGF हो गई, बीस्ट हो गई, जितने बड़े बड़े फिल्म तो हो गई. नाउ इट्स टाइम टू कम बैक टू द सिनेमा विच एक्चुअली मैटर्स, विच एक्चुअली नीडेड, एंड विच आर एक्चुअली हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन टू इट. ऑलवेज कंटेंट इज किंग. या सो विल शोर्टली वॉच CBI 5. दिस वॉज अवर रिएक्शन CBI 5 द ब्रेन रिएक्शन. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट टाइम किस पर रिएक्ट करें. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, डिटेल्स हमने दिए. दिस इज मोहम्मद शाविज़, नवदीन नायत साइनिंग ऑफ.